भूल कर भी ना करें, ये पांच चूक हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आदमी कौन कौन सी ऐसी पांच चूकें कर रहा है जिसकी वजह से वो लगातार कहीं ना कहीं फंसे चले जा रहे हैं। लगातार आप देखने को मिल रहा है कि दिल्ली का सब्जी मंडी हो या और जगह के, वहाँ पर जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कम है, तो वहाँ लगातार COVID-19 के कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? इन चूकों की वजह से उनको वायरस तुरंत अटैक कर ले रहा है, क्योंकि उन लोगों के अंदर इम्यून पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनके अंदर कोरोना अटैक कर रहा है। जिसके इसमें इम्यून पावर कमज़ोर नहीं है, इम्यून पावर तगड़ी है, कोरोना उनको भी आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, पर तो छूकर चले जा रहा है, थोड़ा सा असर रह रहा है, आकर चले जा रहा है, पर तो होता होगा जरूर। ये पांच चूक क्या है? किसी से भी, नंबर एक, किसी से भी हाथ नहीं मिलाएं, साथ में गले मत नहीं मिलें, ये ध्यान दें। नंबर दूसरा, बाहर की कोई भी चीज ना खाएं। अगर सब्जी लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं तो घर में लाके उसको पूर्ण रूप से सफाई करें। पैकेट बंद खाना लेके आते, पैकेट बंद चीजें लेके आते हैं तो उनको भी पहले से बाहर से उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर लें कि कोई भी उसमें वायरस ना आए आपके पास। तीसरी चीज़ है, कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो ध्यान दें कि आपके मुंह में मास्क, रुमाल या लेडीज हैं तो दुपट्टा, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको मुंह को ढके रहें, ये बात का ध्यान दें। लगातार देखने को मिल रहा है ये पांच चूके लोगों से हो रही है, जिसकी वजह से उन लोगों को परेशानियाँ हो रही है। और साथ में बार बार बाहर जाने जा रहे हैं तो हाथ में सैनिटाइजर आपका जरूर होना चाहिए। जहाँ भी आप जाएं तो अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें बाहर जाने में, मतलब साबुन हाथ धो ही ले रहे हैं, पर बाहर जाने के बाद हाथ को बार बार सैनिटाइज जरूर कर रहे हैं। नंबर चौथी चीज, जब भी बाहर से आ रहे हैं या घर में रह रहे हैं तो गर्म पानी की सिप बार बार लेते रहें। बाहर भी जा रहे हैं तो भी आप गर्म पानी का एक थर्मस साथ में ले जा सकते हैं, बार बार गर्म पानी से दो दो सिप पीते रहेंगे तो जो बलगम हमारे गले में अटक रहा है तो अटकने की संभावना नहीं रहेगी। ये पांच चीजों का ध्यान देंगे तो वायरस से पूर्ण रूप से बच जाएंगे। इसी तरह से नए वीडियो लाते रहता हूँ, नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।